रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम चरण के चुनाव के दौरान कल भाजपा द्वारा नामांकन भरने के बाद आज भाजपा कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान रमन सिंह के द्वारा किए गए विकास कार्यों का जमकर गुणगान किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम चरण के चुनाव के दौरान कल भाजपा द्वारा नामांकन भरने के बाद भाजपा कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप पात्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान रमन सिंह के द्वारा किए गए विकास कार्यों का गुणगान किया, जहां राहुल गांधी सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। कॉन्फ्रेंस के दौरान संदीप पात्रा ने प्रदेश में 65 प्लस की बात की, वहीं प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना भी की। पात्रा ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हम सीढ़ी और वे सीढ़ी की राजनीति कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि सीढ़ी वर्सेज सीढ़ी की राजनीति कर रहे हैं। रमन सिंह वर्सेज जमानती पार्टी में प्रदेश की जनता हमें चुनेगी। वहीं संदीप पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी जहां जाते हैं अपना बेशकीमती मोबाइल दिखाते हैं और अपने अमेठी एक बार भी नहीं जाते, यहां तक कि वे भेल या आलू बनाने तक की फैक्ट्री अभी तक नहीं बना पाए हैं। मोदी और रमन सिंह डबल इंजन हैं और प्रदेश में विकास यात्रा की नई इबारत बनाएंगे। साथ ही साथ राम मंदिर पर कहा कि हम अपना जीवन निछावर कर देंगे और संविधान और शांति के रास्ते मंदिर बनाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि अटल भाजपा अजय भारत। सोशल मीडिया इत्यादि का विषय है, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट मानना है कि राजनीति हमेशा ही स्वच्छ होनी चाहिए, उसमें मलिनता नहीं होनी चाहिए। मगर मैं छत्तीसगढ़ में बैठा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से राजनीतिक छवि को धूमिल किया है, सीटी कांड एक के बाद एक सीटी कांड जिस प्रकार से फर्जी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने किया है, जो पहले 4 विश्वविद्यालय थे आज 13 विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज पहले 2 थे आज 10 मेडिकल कॉलेज हैं, जहां उनके क्षेत्र से मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, यहां भी राजनांदगांव में भी एक मेडिकल कॉलेज खुला, इंजीनियरिंग कॉलेज 14 से बढ़कर 50 हुआ। राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव की रिपोर्ट, एशियन 24।